शांति टोपी पहन ली, टोपी पहनी ऐसे करके ही करेगी तब ना। देख ओम शांति, ये बाबा का घर। टाइम हो गया है 7:20, स्कूल का समय हो चुका है। बाबा के बच्चे बाबा की याद में भोजन, बाबा को भोग लगाई ना, लगा ना बाबा को, ठीक है। चलो तो आज हम बाबा को, बाबा क्या सुनाए आज मुरली में, देखो बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा आते हैं हम सब बच्चों को ज्ञान रूपी मक्खन खिलाने। कृष्णा जी को देखी ना मक्खन खाते हुए, देखी ना उस दिन, देखती थी ना। तो बाबा भी हमको क्या खिलाते हैं, माखन। कौन सा माखन? ज्ञान रूपी माखन। और हमको पूरे विश्व का मालिक बना देते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। दिखाए ना कृष्णा मक्खन खाते हुए, कृष्णा जी को देखी कभी दूध पीते हुए, उसका मम्मी दूध पिला रही है, कब पिलाई पता नहीं है, लेकिन मक्खन खाते हुए जरूर देखी होगी। मक्खन उधर मक्खन, उधर मक्खन, दोस्त यार सब मक्खन खा रहा, कभी उसके घर में जा रहा है, कभी उसके घर में जा रहा, देखी थी ना। तो मक्खन को ज्यादा जोड़ दिया गया, तो मक्खन क्या है, ज्ञान, जो भक्ति का फल है। भक्ति का फल क्या है, सदगति, सदज्ञान। तो बाबा हम लोग को देते हैं जो तुम हम लोग को सुनना चाहिए रोज मुरली, ठीक है। तो अभी तो स्कूल जा रही है, आके सुनना, शाम को सुन लेना। तो ये बाबा ज्ञान मुरली रोज हम लोग को सुनाते हैं और हमको कहते हैं बच्चे कि निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय बुद्धि बनो, ठीक है। और धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए सच का साथ कभी नहीं छोड़ना, सच्चाई का साथ देना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं, एकदम हमेशा सच, सच। ये प्रतिज्ञा करना है बाबा से, बोले बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे और बाबा से सच्चा रहेंगे, सच्चे बाप को याद करेंगे। बस स्कूल जाने का समय है। आज बाबा बोले शिव शक्ति बनना है। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट क्या है, देखो, शिव शक्ति बन विश्व का कल्याण करना, दुर्गा जी बनना है। दुर्गा जी सबसे पहले, दुर्गा जी क्या करेगी, दुर्गुणों को नाश करेगी, अपने अंदर का जो भी विकार है, लड़ाई झगड़ा छल कपट झूठ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब छोड़ेगी। उसके बाद पूरे विश्व का भी कल्याण करना, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है, ठीक है, पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए हमको अचल अडोल बनना है। और दूसरों की स्लोगन क्या है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरा को करेक्शन करने का जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे क्यों कर रही है, तुम क्यों कर रही है, तुम क्यों, अपना देखो, बाबा से कनेक्शन जोड़ के अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा, ठीक ठीक। नुवा शाम योग कंप्लीट हुआ, उधर ब्रह्मा भोजन बन रहा है और ये लोग अपना पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाई पढ़ लो, चलो सारा होमवर्क बनाओ, सारा होमवर्क करो। आज इसका नंबर था पार्क में सेजल का, तो सेजल गई वहाँ सेवा भी, नहीं मेरा नंबर था, सेवा भी की है। टिया का कल होगा तो वहाँ जाएगी, पढ़ाई सेवा में भी करना है, सेवा में इन्वॉल्व करना है, सेवा से बहुत कुछ सीखेगी, है ना। इधर वीडियो एडिटिंग भी चल रहा है, अब ब्रह्मा भोजन करने के पश्चात फिर बाकी दिनचर्या भी फॉलो करेंगे। ये बाबा का घर है, हॉल जो अभी खाली है, या बाबा का क्लासरूम है, चलिए वीडियो को फाइनल एडिट करते हैं और वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। और आज की सीख यही है
आज की मुरली से लर्निंग यही है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। आज की मुरली से मेन पॉइंट, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए संग की बहुत संभाल करनी चाहिए। संग उनका करना चाहिए जो अच्छा ज्ञान योग में मस्त है। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं और कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर कौड़ी बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, कुसंग से अपनी संभाल रखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि लर्निंग पॉइंट है। और है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम परमात्मा से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। इसके लिए 5 विकारों का दान करो, तभी माया का ग्रहण उतरेगा। साकार मुरली 28/11/2023। तो यह पॉइंट, चलिए गुड नाइट, ओम शांति।